एवरीवन, वेलकम बैक टू माय डांस क्लास। मैं हूं शिप्रा शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आ गई हूं गोवा बीच का ट्यूटोरियल। बहुत ही इजी और बहुत ही बेसिक से स्टेप्स हैं जो कि हर कोई कर सकता है। तो बाकी बातें वीडियो के बाद में करते हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन द वीडियो। तो हमारा जो सॉन्ग स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग में जो म्यूज़िक आता है, बहुत ही सॉफ्ट सा म्यूज़िक है, उस पर बेसिकली हम एंट्री लेंगे। अगर आप स्टेज पे परफॉर्म करने वाले हैं तो आप साइड से आएंगे स्टेज के सेंटर में, तो जो म्यूज़िक है उस पर आप एंट्री लेंगे। बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर आप घर पे ही डांस कर रहे हैं, घर पे ही परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है स्टेज बहुत छोटा है, आपके पास इतना स्पेस नहीं है कि आप इतने ज़्यादा बीट्स कवर कर पाएँ, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके बाद आप एक राउंड ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। एंड देन उसके बाद गाना स्टार्ट होता है, तो पहली जो लाइन है दिल ये फिसला फिसला फिसला, ऑन देन हल्का सा राइट डायरेक्शन में फेस करेंगे, ओके, इस तरीके से। एंड देन आप अपने दोनों हाथों को सामने लेकर आएंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे और उनको झटके से आप ओपन करेंगे लाइक दिस। सो 1 2, ओके। आपको ध्यान रखना है जो आपकी एल्बो है वो आपकी बॉडी से टच होनी चाहिए। सो 1, ओके। एंड देन हल्का सा आप अपने हाथों में और अपनी बॉडी में गैप मेंटेन कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आपको अपने शोल्डर्स को मूव करते हुए नीचे बेंड करना है 1 2 3, ओके। सो दिल ये जो वर्ड है, दिल ये पे आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से खोलेंगे, एंड देन फिसला 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 3 बार ब्रेक लेते हुए आप बेंड करेंगे 1 2 3। बेंड करने के साथ ही आपको शोल्डर्स को मूव करना है, झटके देने हैं 1 2 3, एंड आपको अपनी नीज के ऊपर बेंड करना है। तो आपका स्टेप रहेगा 1 2 3 4। एंड देन नेक्स्ट जो हमारी लाइन है तेरे गोरे बदन पे फिसला, सेम चीज़ हम लेफ्ट डायरेक्शन में रिपीट करेंगे 1 2 3 4, ओके। तो ये हमारी लाइन थी दिल ये फिसला 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 तेरे गोरे बदन पे फिसला। सो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8। सो नेक्स्ट जो हमारी लाइन है तेरे गुलाबी होठ को देख के, ऑन दैट आपका जो लेफ्ट हैंड है वो कमर के ऊपर आएगा और जो आपका राइट हैंड है वो आपको आपके लिप्स के सामने रखना है, एंड देन अपनी फिंगर्स को फोल्ड करते हुए लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में लेके जाना है 1 2 3 एंड 4, ओके। और इसी के साथ आपको अपनी कमर को मूव करना है लेफ्ट टू राइट, लेकिन आपको बहुत स्मूथली इसको वेव करना है और ठुमके नहीं मारने हैं, ओके। सो 1 2 3 4, ये रहेगा आपकी कमर का मूवमेंट। एंड देन जो आपका कंप्लीट स्टेप रहेगा 1 2 3 4, एंड द नेक्स्ट लाइन इज मैं तो पिघला पिघला पिघला। तो हमने ख़त्म किया इधर, उसके बाद आपका जो पैर है आपको नीज के ऊपर बेंड करना है और राइट पैर को जमीन पे डैप करना है हल्के से 1 2 3 एंड 4। सो 1 2 3 4, ओके। और जो आपका हाथ रहेगा, आपका जो हैंडवर्क रहेगा, राइट हैंड को आप ऊपर से स्टार्ट करेंगे और उसको नीचे लेकर आएंगे घुमाते हुए लाइक 1 2 3 एंड 4। तो आपका स्टेप रहेगा 1 2 3 4 विद एवरी मूवमेंट। आप जब भी अपने हाथ को मूव करेंगे उसी के साथ आपको अपने राइट पैर को डैप करना है और हल्का सा आपको अपनी बॉडी को वेव करना है ताकि स्टेप थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। और एट द सेम टाइम आपका जो लेफ्ट हैंड रहेगा जो पहले कमर पे था वो पीछे एकदम स्ट्रेट रहेगा, तो आपका जो स्टेप रहेगा फ्रॉम द बिगनिंग वो रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ द नेक्स्ट लाइन इज तुझको ले जाऊंगा मैं खींच के, ऑन दैट आप अपने लेफ्ट हैंड से इंडेक्स फिंगर से सामने पॉइंट आउट करेंगे, विद द राइट हैंड आप उसको ऊपर हवा में लेके जाएंगे, एंड देन आपको इसको घुमाना है 1 2 3। सामने आप इसको थ्रो करेंगे जैसे कि आपने एक रस्सी पकड़ी हुई है और आपने ऊपर घुमाया एंड सामने थ्रो किया, ओके। तो 1 2 3 एंड 4,
और इसके बाद आप अपने दोनों हाथों से उसी रस्सी को पकड़ के खींचेंगे और आप खुद भी पीछे जाएंगे। 1, 2, 3 and 4। आपको हल्का सा बेंड करना है ताकि ऐसा लगे कि आप किसी चीज़ को पकड़ के इस तरीके से खींच रहे हैं। सो तुझको ले जाऊंगा मैं खींच के, तुझको ले जाऊंगा पे हम स्टेप करेंगे 1, 2, 3 and 4 एंड खींच के पे खींच के, ओके। एंड देन हमारी जो मेन लाइन स्टार्ट होती है गोवा वाले बीच पे। ऑन दैट आपका जो हैंडवर्क रहेगा, आपको अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को इस तरीके से क्रॉस करना है, दोनों हाथों को जॉइंट करना है एंड देन आपको अपने हाथों को वेव करना है, ओके। सो 1, 2, 3 and 4 ये है हमारा हैंडवर्क। नाउ वेव करने के लिए आप पहले अपनी राइट हैंड को उठाएंगे, पहले एल्बो एंड देन रिस्ट एंड देन धीरे धीरे जब आप अपने राइट हैंड की एल्बो को नीचे लेके जाएंगे उस टाइम पे आपका जो राइट हैंड की रिस्ट है वो आपके लेफ्ट हैंड की रिस्ट को ऊपर खींचेगी एंड देन जब आपके राइट हैंड की रिस्ट नीचे जाएगी उस टाइम पे आपकी लेफ्ट हैंड की एल्बो जो है वो ऊपर आएगी। सो 1, 2, 3 and 4 ओके। तो ये इस तरीके से आपको अपने हाथों को वेव करना है 4 times 1, 2, 3 and 4। और इसके साथ जो हमारा फुटवर्क रहेगा हमें अपने राइट लेग को डैप करना है। सो 1, 2, 3, 4 और इसी के साथ हम हल्का हल्का अपने राइट डायरेक्शन में टर्न हो जाएंगे। सो 1, 2, 3 and 4 एवरी टाइम जब आप अपने राइट लेग को ऊपर उठा के रखेंगे आपका जो लेफ्ट लेग है वो हल्का सा राइट डायरेक्शन में ट्विस्ट हो जाएगा। सो 1, 2, 3 and 4 ओके। तो आपका स्टेप रहेगा 1, 2, 3, 4 ये हमारी लाइन थी गोवा वाले बीच पे एंड देन रानी आंखें मीच के। ऑन दैट आप राइट डायरेक्शन में थे, आप सामने की तरफ आ जाएंगे एंड विद योर राइट हैंड आप अपने राइट हैंड को अपने फोरहेड के पास रखेंगे, जैसे हम सलाम वाले पोजीशन में अपने हाथ को रखते हैं इस तरीके से आपको सामने रखना है एंड देन आप अपने लेफ्ट हैंड को भी लेकर आएंगे एंड देन आप इनको इस तरीके से फोल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4 ओके। तो आपका स्टेप रहेगा 1, 2, 3, 4 और इसी के साथ आपको हल्का सा अपने हेड को मूव करना है एंड देन कमर को भी मूव करना है। सो 1, 2, 3, 4 तो आपका स्टेप रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड देन ठंडी ठंडी बियर पियेंगे। ऑन दैट आपका फुटवर्क रहेगा, पहले आप लेफ्ट पैर को उठा के वापस अपनी जगह रखेंगे एंड देन राइट पैर को उठा के वापस अपनी जगह रखेंगे और उसी के साथ हल्का सा आपको अपने हिप्स को मूव करना है 1, 2 और आपका जो हैंडवर्क रहेगा आपको सिंपली अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रब करना है, एक बार लेफ्ट डायरेक्शन में और एक बार राइट डायरेक्शन में। सो ठंडी ठंडी आप देख सकते हैं जो पैर मैं मूव कर रही हूँ सेम डायरेक्शन में मैं अपने हिप्स को भी मूव कर रही हूँ। तो 1, 2 नाउ बियर पियेंगे पे सिंपली आप अपने थम्स को ऊपर रखेंगे, फिस्ट बनाएंगे एंड देन 1, 2 आपको दो बार अपने हाथों को अपने फेस के पास लेकर आना है। सो 1, 2 और इसी के साथ आपका जो फुटवर्क रहेगा आप दो स्टेप पीछे जाएंगे 1 and 2 तो आपका पूरा जो स्टेप रहेगा वो रहेगा 1, 2, 3 and 4 और नेक्स्ट जो हमारी लाइन है दोनों फोटो खींच के। ऑन दैट एक बार आप अपने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर से अपनी तरफ पॉइंट करेंगे एंड लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर से सामने की तरफ पॉइंट करेंगे एंड देन जैसे हम सेल्फी क्लिक करते हैं आपको वो वाला पोज देना है फोटो खींच के, ओके। तो आपका जो कंप्लीट स्टेप रहेगा गोवा वाले बीच से लेके दोनों फोटो खींच के तक वो रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हमारी लाइन थी गोवा वाले बीच पे जो हुक स्टेप है वो। एंड देन अगेन लाइन रिपीट होती है गोवा वाले बीच पे। नाउ दिस टाइम हम अपने पैरों को मूव करते हुए राइट डायरेक्शन में जाएंगे 1, 2, 3, 4 सो बेसिकली जब आप अपने राइट लेग को डैप करेंगे तो उस टाइम पे आपको इसको उठा के थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में रखना है एंड देन लेफ्ट लेग जो है वो इसको फॉलो करेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ओके।
ये स्टेप हमें थोड़ा सा फास्ट करना है. सो 1, 2, 3 एंड 4 एंड देन इसके साथ हैंडवर्क सेम रहेगा, हमें अपने हाथों को वेव करना है. सो 1, 2, 3, 4 एंड देन दोनों आंखें मीच के. ऑन दैट आप अपने दोनों हाथों को अगेन सेम अपने फोरहेड के ऊपर रखेंगे एंड हाथों का मूवमेंट सेम रहेगा, बट दिस टाइम आपका फुटवर्क जो है आपको अपने राइट लेग को बाहर की तरफ थ्रो करना है. 1, 2 ये जो फुटवर्क है ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप इसको डेफिनेटली कर पाएंगे. तो बेसिकली आपको अपने राइट लेग के टॉप पे आना है, लेफ्ट लेग को उठा के वापस रखना है एंड देन राइट लेग को बाहर थ्रो करना है. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ओके. ये स्टेप जब हम फास्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 1, 2, 3 एंड 4 ओके. तो ये हमारी लाइन थी दोनों आंखें मीच के एंड देन ठंडी ठंडी बियर पियेंगे. ऑन दैट हम स्टेप सेम रखेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड देन दोनों फोटो खींच के अगेन हम सेम स्टेप रखेंगे, 1, 2, 3, 4. तो जो सेकंड जो हमारा लाइन स्टार्ट होती है गोवा वाले बीच पे, उसका उस पर जो आपका कंप्लीट स्टेप रहेगा वो रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सो ये था ट्यूटोरियल ऑन द सॉन्ग गोवा बीच. और इस सॉन्ग का जो परफॉर्मेंस है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके चेक कर सकते हैं. ऑल्सो वहाँ पे और एक लिंक है जो कि मेरे दूसरे चैनल का लिंक है, आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें. लेकिन सबसे पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी जो मेरी नोटिफिकेशन है जब भी मैं आपके लिए कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसको मिस ना करें. तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए कीप डांसिंग एंड कीप स्माइलिंग.